पूरे भारत में मौसम में आ रहे बदलाव का असर अब दिखाई देने लगा है। देश के कई जिलों में गर्मी लगातार अपना कहर बरपा रही है। ऐसे में लोग गर्मी के बढ़ते तापमान से जूझते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों को और अधिक तपती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। लोग जरूरी काम से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं और जो जरूरी काम के कारण बाहर निकल रहे हैं वो धूप से बचने का इंतजाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों में टेम्परेचर काफी राइज हुए थे। 13 तारीख को जो टेम्परेचर है हरियाणा में कुछ एक जगह पर, खास करके जो सदर्न हरियाणा था उसमें टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला गया था। और इसी तरह जो पंजाब के जो ईस्टर्न पार्ट थे उसमें भी टेम्परेचर जो कुछ एक इलाकों में 44 डिग्री तक टेम्परेचर जो चले गए थे। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे थे उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चले हैं दोनों स्टेट्स में। लेकिन अभी जो लास्ट 24 आवर थे 14 तारीख को थोड़ा जो चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हुई थी जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है उसमें कमी दर्ज की गई। कल जो टेम्परेचर है उसमें 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुए थे। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो जिसका इफेक्ट पंजाब और हरियाणा में आपने जो कल से होगा 16 तारीख से होगा। 16, 17, 18 तारीख को जो दोनों स्टेट में आइसोलेटेड बारिश होने की प्रॉबिलिटी है जिसके साथ थंडर एक्टिविटी भी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं कुछ लोग पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि जगह जगह पेय पदार्थों के स्टॉल नजर आ रहे हैं। लोग ठंडे पानी और शरबत का इस्तेमाल कर इस गर्मी के कहर से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे खुले में काम करना पड़ता है तो क्या परेशान तो है, लेकिन परेशान में भी हमको काम करना पड़ता है। अभी यहाँ लीमू का बिजनेस करते हैं, लीमू बेच रहे हैं। लींबू है, आचार है वगैरह, जो बकाला है कोई भी सब्जी वाला को थड़ कर बैठ कर काम करना पड़ता है। तो यहाँ गर्मी तो परेशानी में भी काम करना पड़ता है, हम क्या करें उसमें। और गर्मी तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। मौसम में आए बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। खुले में काम करना पड़ता है, इतना धूप पड़ता है, इतना गर्मी है। अभी तो 44 डिग्री तक पहुँच गए राजकोट में, पर जो एसी में है वो तो सब बैठेंगे दुकान पे। हमारा तो क्या है, खुले आसमान के नीचे बैठने का, इसलिए बिजनेस करना पड़ेगा। बहुत गर्मी पड़ रहा है राजकोट में। क्या बिजनेस है आपका? नारियल पानी का है, तो करना पड़ता है, धूप में भी बैठना पड़ता है, क्या करें सर। आसमान की ओर लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें गर्मी के इस कहर से राहत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।